किसी कवि ने लिखा है, किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, आज की कल की एक एक पल की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप thelokatantra.com देख रहे हैं। अगर आपको किताबों की दुनिया आकर्षित करती है, लेखकों को जानना चाहते हैं, उनकी पुस्तकों और उनके रचना संसार को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा गोमती पुस्तक महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। गोमती पुस्तक महोत्सव 2023 का इस बार का थीम है सभी के लिए पुस्तकें। इस संदर्भ में आयोजकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महोत्सव के विषय में विस्तार से जानकारी दी है। इस बार हमने थीम को थोड़ा सा और इंक्लूसिव किया है, जहां हम कह रहे हैं पुस्तकें सभी के लिए। सो इस वर्ष के पुस्तक महोत्सव का मेन पर्पज़ ये है कि ये आम नागरिकों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए पुस्तकों को इंक्लूसिव रूप में यहाँ पे प्रेजेंट करें। सो एक तरफ आप देखेंगे जहाँ पे इंडिया के जितने भी पब्लिशर हैं और इंडिया और इंटरनेशनली जितने भी बुक्स हैं, वो सारी बुक्स अवेलेबल है। 100 से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं यहाँ पे और उनसे 200 से अधिक, 200 से 300 करीब पब्लिशर्स की किताबें हैं। प्लस हमारे कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ हमने एक कोऑपरेशन में कार्यक्रम किया है, जहाँ पर वो जब भी आते हैं उनके लिए एक ब्रेल की पुस्तक मुफ्त दी जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पे साइन लैंग्वेजेस के सेशन कर रहे हैं, ताकि जिनको सुनने में असुविधा हो रही हो या जो उस परेशानी से गुजर रहे हो उनको भी हम, उनके लिए कंटेंट हो। और कई सारे ऑथर्स कॉर्नर के इवेंट हैं, जिनका हमने लेखकों के कई सारे कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें निधि छापेकर है, यतीन्द्र मिश्र जी हैं, नीलोत्पल मृणाल जी हैं। बच्चों के कार्यक्रम को भी अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें हमने कार्यक्रम की लिस्ट आपके साथ दी गई है, बट इसको हमने बहुत इंक्लूसिव रखने की कोशिश की है, जहां एक तरफ उनसे किताबें लिखने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, उनकी कार्यशालाएं कराई जाएगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये किताबें प्रकाशित भी की जाएंगी। दूसरी तरफ क्रिएटिव वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग, ये चीज़ें तो हैं ही हैं, साथ में उनको अखबारों में कैसा लिखा जाए इसके लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो लिखने को और पढ़ने को ज़्यादा गंभीरता से ले और ऐसे माहौल में ले जिससे आसानी से उन चीज़ों को सीख सके। इसके अलावा हमारा नागरिक के प्रति, लखनऊ के जो लोगों से हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट लास्ट ईयर मिला था और मीडिया बंधुओं से भी मिला था, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सारी फोकस यही है कि सारी एक्टिविटी, लखनऊ के जितनी साहित्य की विधाएं हैं, साहित्यकार हैं, वो कला और पुस्तकों के रूप में आप सब तक हम लेकर आ सकें। हमारे साथ चंद्रकाश जी हैं, आप सभी जानते हैं, वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के माननीय सदस्य भी हैं, वो आपको नागरिकों के प्रतिनिधि से बताएंगे। आप सबका धन्यवाद। ये हम सब लखनऊ वासियों के लिए एक बड़े हर्ष की बात है कि जो पिछले साल शुरुआत की थी नेशनल बुक ट्रस्ट ने, उसको आगे भी उन्होंने बढ़ा दिया है और इसको इन्होंने तय कर लिया है कि कैलेंडर इवेंट बनेगा हर साल। तो ये सब लखनऊ वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये नेशनल बुक ट्रस्ट एक अपने आप में एक स्तंभ है पब्लिशिंग कंटेंट्स और बुक ट्रेड में, और ये किस तरह पिरोते हैं पूरे दुनिया की सोच, देश की सोच हर लैंग्वेज में, और उसको आम नागरिक तक ले जाते हैं और बड़े सस्ते दाम पे ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक भूमिका है इनकी, और ये ना तो केवल हिंदुस्तान में एक आम नागरिक के पास ले जाते हैं, पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस ये लोग कराते हैं। यूरोप में, अभी यूरोप में बहुत बड़ा इनका फेस्टिवल था और बहुत ही बड़ा पेविलियन इन लोगों ने किया था इंडियन पब्लिकेशंस को लेके। तो इंडियन सोच जो है, भारतीय सोच को ये देश में नहीं कि ये पूरे दुनिया में इसको फैला रहे हैं। तो ये बड़े हर्ष की बात है। मैं आपके सामने एक नागरिक भी हूँ, इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भी रहा हूँ और नागरिक सुरक्षा संगठन से भी जुड़ा रहा हूँ। तो मैं तीनों हैसियत से मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ये जो डेडिकेट किया है इन्होंने, ये पुस्तक मेला एक आम नागरिक को डेडिकेट किया है, सबके लिए पुस्तकें हैं, सबके लिए सोच है, सबके लिए एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज़ है, बड़ों के लिए अलग एक्टिविटीज़ हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए शाम को एक कल्चरल एक्टिविटीज़ का माहौल बनाया गया है।
तो विभिन्न लोगों के लिए हर तरह का एक्टिविटी इन्होंने प्लान की है, वर्कशॉप्स की है इन्होंने, लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे आप आर्टिकल लिखिए न्यूज़पेपर्स में और उसको छपवाने की भी मदद करेंगे। तो ये कि मेरे ख्याल से बहुत ही अद्भुत प्रयास है। और क्रिएटिव राइटिंग उसी से जुड़ी हुई है, क्रिएटिव राइटिंग। बहुत सारे बच्चे हैं कल्पना करते हैं कि भाई कल को बड़े होके हम बनेंगे लेखक, बनेंगे पत्रकार, बनेंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका है ये एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जैसे इन्होंने कहा, पिछला जो संस्करण था बुक फेस्टिवल का वो बहुत ही कामयाब था। और ये सेकंड एडिशन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इनकी तरफ से भी कि आप लोग वैसे ही सहयोग देंगे और उससे ज़्यादा सहयोग देंगे और लोगों को बताएं ये आपका है फेस्टिवल, ये किसी और का नहीं है, ये नागरिकों के लिए फेस्टिवल है। और अगर नागरिक इसमें शामिल नहीं होंगे तो इनका उत्साह नहीं बढ़ेगा अगले साल के लिए भी। तो हमको दिखाना है कि भाई ये आप ही का फेस्टिवल है, आपके शहर में है, जिसको आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आप लोग सब आएँ, अकेले ना आएँ, बच्चों के साथ आएँ, परिवार के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। यहाँ हर तरह का सुविधा है, ओपन एयर है, गोमती नदी के तट पर है, सारी चीज़ें, हरियाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फेस्टिवल पुराने हमारी जो शान शौकत है उसको रिक्रिएट करेगा और एक अगले साल, आने वाले सालों के लिए एक नया कीर्तिमान एस्टैब्लिश करेगा जिसमें हम सब लखनऊवासी हर्ष महसूस करेंगे। धन्यवाद। गोमती पुस्तक मेले में 100 से अधिक बुक स्टॉल लगे हैं, जहां हर उम्र के पाठकों के लिए हर विषय पर पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। सभी के लिए पुस्तकें थीम के तहत दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी यहां पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। 9 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक गोमती रिवर फ्रंट पार्क लखनऊ में पुस्तक महोत्सव जारी रहेगा। मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है और पुस्तकों पर 10% की छूट भी मिलेगी।